नामांकन करने के लिए पहुंचे देवबंद विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह ने देवबंद दारुल उलूम को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाए जाने की घोषणा की थी जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। यह बात कहते हुए कुंवर ब्रजेश आगे कहते हैं कि देवबंद दारुल उलूम तालिबानी सोच का जन्मदाता है। देखिए 2017 से 22 तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा बही है, उन विकास के मुद्दों को लेकर ही हम लोग चुनाव के अंदर जाने वाले हैं। और यदि मैं बात करूं 2017 से पहले की, तो यही उत्तर प्रदेश आप सबके सामने था। ना व्यापारी सुरक्षित था, ना किसान सुरक्षित था, ना मजदूर सुरक्षित था, ना माता बहनों की इज्जत सुरक्षित थी। आज जब हम इस चुनाव के अंदर जा रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि हमने प्रदेश के अंदर अमन चैन कायम किया है, राम राज्य की स्थापना की है और कानून व्यवस्था को जितने सुदृढ़ ढंग से सुधारने का काम मेरे मुख्यमंत्री ने किया है, ऐसा आज से पूर्व किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। अभी गत दिनों 4 जनवरी को ही मुख्यमंत्री जी आए जिसमें एटीएस सेंटर का भी शिलान्यास किया गया। ये शिलान्यास पिछले 5 सालों में क्यों नहीं किया गया? क्या ये चुनावी स्टंट है, इससे कोई फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा है ना कि हर चीज़ को चुनावी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आप सब जानते हैं जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया तो उस दौरान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने देवबंद के अंदर एटीएस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी और उसके घोषणा के पीछे कारण ये था कि तालिबानी सोच का जन्मदाता देवबंद का दारुल उलूम है और दारुल उलूम की मानसिकता का सबको पता है। तो इस कारण जब मुख्यमंत्री जी को लगा कि मेरे देश के अंदर एक ऐसा स्थान जहां से तालिबानी सोच जन्म लेती हो, वहां पर नज़र रखने के लिए कि कोई ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि देवबंद के अंदर से संचालित ना हो, केवल इस नाते एटीएस सेंटर का शिलान्यास 4 जनवरी को किया गया है। कितनी सीटें 2022 में जीत रही है? 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं है। आप सबके विभिन्न मीडिया चैनल रोज ओपिनियन पोल और सर्वे दिखा रहे हैं जहां 50% मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पहली पसंद माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और शेष 50% में प्रदेश के सारे नेतागण हैं। तो आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। बुलडोजर भी देख लिया, एटीएस सेंटर का शिलान्यास भी देख लिया, 2022 में अगर सरकार बनती है तो क्या होगा? जिस प्रकार माफियाओं ने जो सरकारी संपत्तियों पर, गरीबों की संपत्तियों पर अवैध कब्जे कर रखे थे, वो बुलडोजर उनकी संपत्तियों पर इसी प्रकार चलता रहेगा।